अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक्स खरीदने होंगे जिनका पीई रेशियो ज्यादा नहीं है। पीई रेशियो ज्यादा होना मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा है, महंगा है वो शेयर। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स के नाम बताने वाला हूँ जो अपने हाई को तोड़ने वाले हैं, मतलब जिनमें बहुत अच्छा मोमेंटम है लेकिन वो महंगे नहीं है, कंपनीज बहुत अच्छी है। और साथ में एक होमवर्क भी आपको दूंगा कि लिस्ट जो आपको सामने मिल रही है इस लिस्ट में जाके बाकी इसके फंडामेंटल आपको चेक करने हैं, और इसके बाद हर वीक में आप इनकी बाइंग शुरू कर दीजिए। अगर ये काम आपने आने वाले 1 साल तक कर लिया तो आने वाले 3 सालों में आपको अपना पैसा दुगुने से भी ज्यादा मिलेगा, 3 गुना 4 गुना कुछ भी हो सकता है। अच्छे स्टॉक जो सस्ते हैं, जो आपको वॉरेन बफे साहब बताया करते थे है ना, या बेंजामिन ग्राहम साहब की बात हम सुनते हैं, तो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर हमेशा आपको कहते हैं कि सही वैल्यूएशन पे स्टॉक्स अगर खरीद के रखेंगे तो आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन सही वैल्यूएशन के स्टॉक ढूंढना हमको बड़ा मुश्किल सा लगता है। मैं आपका काम आसान कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो सही वैल्यूएशन पे खड़े हैं। दोस्तों यहाँ पे ये कुछ स्टॉक्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। मद्रास फर्टिलाइजर 61 रुपीज की प्राइस है, डिश टीवी इंडिया 22 रुपीज की प्राइस है। इसका पी रेशो मद्रास का 4.19 है, डिश टीवी का पी रेशो 6 से नीचे है। जिंदल स्टेनलेस ये भी 6 के नीचे पी रेशो है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ये 6 का पी रेशो है, 6 से थोड़ा ऊपर। कर्नाटक बैंक 6.33, 162 का प्राइस है अभी। जी शिपिंग ऐसे 718 रुपए का शेयर है, लेकिन महंगा नहीं है दोस्तों ये, क्योंकि 7 के नीचे का पी है। जिंदल स्टेनलेस स्टील ये 7 के ऊपर का कुछ पी है, 7.5 का पी है। साउथ इंडियन बैंक का जेके पेपर 7.5 का पी है। आरसीएफ 8 का पी है, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज 8 का पी है, इंडियन बैंक 8.57 का पी है। तो 4 से लेकर 9 तक के पी रेशो वाले स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जाके देखना है ट्रेंड लाइन में कि मद्रास फर्टिलाइजर के फंडामेंटल अभी कैसे है। कि मद्रास फर्टिलाइजर यहां सामने आपको देखने को मिलता है, स्ट्रांग परफॉर्मेंस बताया जा रहा है दोस्तों। यहां पे जाके आपने देखा कि इसकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी भी अच्छी बता रहे हैं। अब आप ये देखो कि ये ऑल टाइम हाई के करीब भी है। जाके नीचे आप होल्डिंग देखेंगे तो थोड़ी होल्डिंग एफआईआई की है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नहीं है। अब दूसरे स्टॉक को आप लेते हैं ऐसे और फिर उसको लेके आते हैं यहाँ पे डालते हैं और उसका आप फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं। जैसे डिश टीवी, ये डिश टीवी हमने यहाँ पे ले लिया, 22 रुपए का शेयर है दोस्तों। मीडिया सेक्टर है ये, ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल टीवी वाला। इसमें वीकनेस 12 आ रही है, ये एक थोड़ी नेगेटिव बात है। हम लोग देखें इसका ऑल टाइम हाई का सीन क्या है तो आपको पता लगता है कि ये शेयर हुआ करता था 100 से ऊपर और यहाँ पे इसका हाई दिख रहा है 134। 22 रुपए में ये शेयर आपको मिल रहा है। आगे जाके देखें कि इतना सस्ता है तो क्या म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट है? हाँ दोस्तों, एफआईआई 10% लेके बैठी है, म्यूचुअल फंड 2% लेके बैठा है। तो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है पर बुरा भी नहीं है, यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। तीसरा शेयर हम लोग देखते हैं जिंदल स्टेनलेस हिसार। तो आपको बाकी सारे शेयर का डिटेल देखना है, ये काम मैं आपको देके जा रहा हूं दोस्तों। बस आपको मैंने ये तरीका बताया। कई बार लोग कहते हैं ना कि सर इतनी सारी स्टडी कैसे करेंगे, तो 3-4 स्टॉक की स्टडी तो मैंने आपके सामने ही कर दी। सारे स्टॉक की स्टडी मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जिस भी इंसान को ये आदत पड़ जाए कि स्पून फीडिंग चाहिए तो फिर मैं कहूंगा कि मतलब नहीं है। जिंदल स्टेनलेस हिसार ये टर्न अराउंड पोटेंशियल बता रहा है 13850, 13.8 का स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी है। ऑल टाइम हाई देखते हैं, क्या बहुत महंगा रहा था ये, अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने जा रहा है 420 का। स्ट्रॉन्ग बाय में एक ही स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है, लेकिन हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड और इसकी होल्डिंग चेक करते हैं। एफआईआई की होल्डिंग 20% है दोस्तों, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग काफी कम है, इसमें थोड़ा पैसा आप लगा सकते हैं। जैसे जैसे आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखेगी उसी हिसाब से आप सोचेंगे कितना पैसा इसमें लगाया जा सकता है। जे एंड के बैंक, कर्नाटका बैंक, ये आपको कैसा दिखता है, ये कुछ प्राइवेट बैंक से यहाँ पे नीचे जेके पेपर है, आरसीएफ है। जेके पेपर में ले रहा हूं, बाकी आप देखने वाले हैं 413 रुपए का शेयर। देखिए प्राइस के हिसाब से कभी आप सोच लें कि
₹20 का है तो सस्ता है, 20 का है तो 50 का है, या 400 का है, 500 का है तो महंगा है, ऐसा सोच के हम धोखा खाते हैं। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के करीब है, ये दो स्ट्रांग बाय बता रहे हैं, स्टॉक इनसाइड ठीक ठाक है। सीधा हम जाके होल्डिंग देखते हैं, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 6% है, FIA की होल्डिंग 6% है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 3% है। दोस्तों ये भी अच्छा शेयर है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ स्टडी करेंगे, एक अच्छी लिस्ट बनाएंगे, और हर हफ्ते अगर आप ये इकट्ठा करते चले गए आने वाले 20 वीक्स तक, तो आगे आपका पैसा कई गुना हो जाएगा। और आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं, आप अपने फंड पे काम शुरू कीजिए, आप देखिए कि आपके पास टोटल पैसा कितना है और उस पैसे के हिसाब से आप कितना कितना पैसा लगा के रख सकते हैं, और फिर अपना काम शुरू कीजिए। अगर आपने ठीक ढंग से काम शुरू किया तो सिर्फ 2 साल आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा लोग कहते हैं 20-30 साल में पैसा बहुत बन जाता है, तो 20-30 साल सुन के लोग भाग जाते हैं। 2 साल आपको, एक बार जब आपका पैसा 1.5 गुना से ज्यादा हो गया तो फिर आपको डरने की जरूरत पड़ती नहीं दोस्तों। वहां पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हैं, जब डिप्स आते हैं तो उसी पैसे से फिर बाइंग करते हैं, तब तक और जो सेविंग की है उससे बाइंग करते हैं, आपका पोर्टफोलियो बढ़ता चला जाता है, और ऐसे 100 करोड़ का मिशन शुरू होता है। तो दोस्तों 6 मंथ कोर्स के लिए 21,000 का ऑफर रखा हुआ है मंथली, वो अभी आप ले सकते हैं अगले 24 घंटों में। आप स्टॉक्स की लिंक दे रखिए, अकाउंट हमारे साथ खोल के काम शुरू करें, 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा। दिन में 5 बार हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, उसको सारे सोशल मीडिया पे शेयर करें, और रात की लाइव स्ट्रीमिंग 8 PM पे हमने शुरू की है, तो उसको ज्वाइन करेंगे, और जब आप सब लोगों की प्रेजेंस अच्छी होगी तो ही वो कंटिन्यू होगा, नहीं तो फिर हम अपने कामों में फिर से बिजी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।